क्या हुआ? हाँ वो वो इसको कुछ हो रहा है सितैन, इसको क्या लकवा हो रहा है, क्या हो रहा है? अबे ठीक तो है ये, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको पानी और दाने वाली जगह पर ले जाओ। सबसे अकेली भाई, कोई जानवर नहीं, परिंदा नहीं और यहाँ पर इस जगह पर आओ। शा छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा ऐसे। ठीक है क्या? वो देखो क्या हुआ, वो देखो भाई उधर, उधर क्या है ये तो पहले से गिरा हुआ है अभी। सिप्तेन यार इसका क्या करें अब? इसको है? भाई नहीं ना वो सही, उसने बोला भाई सही नहीं होता मुझसे। हाँ चाचू मोरनी चाचू उधर अंडे देती है अपने, उधर देख के अंडा है या नहीं है। यार हमारा इनक्यूबेटर आपको पता है 3 से 4 महीने हो गए हमारे घर आया हुआ है और हम इसके अंदर अंडे नहीं रख पा रहे हैं। वजह यह है कि इसकी जो मशीन नहीं होती है वो थोड़ी सी इशू कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बनवा लेते हैं। कल भाई आए थे देख के, उसने बोला भाई मुझे समझ आ रही, जहाँ से लिया है आप उनसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह हमारा इंक्यूबेटर बन जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि मोर के अंडे ना इस इंक्यूबेटर के नीचे रखें, नीचे नहीं अंदर रखें, तो फिर मोर के बच्चे नहीं लगेंगे, लेकिन ये ख़राब है अभी तक। और इधर दोस्तों आज ऐश और फियोना का कूलर पंखा भी ख़राब हो चुका है। हाय यार चीज़ें हमारे यार क्यों ख़राब हो जाती हैं सिप्तान? इधर कूलर पंखा ख़राब हो गया है, सही है, उधर एक्वेरियम की लाइट्स भी अभी से ख़राब हो गई हैं। तो लाइट्स तो लग जाएंगी, वो तो मसला नहीं है। क्या हुआ? ओके बहुत अच्छे, लाइट का क्या करना है? लाइट चेंज करवाते हैं ठीक। और आज मछलियां भी तो लेने चलनी थी, लाइट्स है नहीं मछलियां लेने का, फिर फायदा? पहले लाइट्स को कहते हैं लगाएगा, फिर उसके बाद फौरन मछलियां, आज ही, आज ही। अच्छा बस अब ज्यादा लेट नहीं यार। आज हमारा माइंड था कि एक्वेरियम तो हमारा बन गया है, आज हम मछलियां लेने चलते हैं, और फिर हमें पता चला हमारे एक्वेरियम की लाइट्स खराब हो गई है। एक चीज ठीक होती है दूसरी चीज खराब हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। और चलते हैं सिप्तान, उसको कहेंगे लाइट्स पहले लगाओ फिर मछलियां हम ना उसके अंदर डालेंगे। वो सनेन बने फिर उनको वो मछलियां बन जाएगी। कहता है भाई वो जो स्नेल है ना, हाँ। जब उसमें मछलियां डालोगे ना वो भी मछलियां बन जाएंगी। मुझे बात इसकी समझ आ गई है ना चाचू, ऐसा कह रहे हो ना? बात की है। ऐसा नहीं होता, वो स्नेल असली नहीं है, वो नकली वाले हैं। चलो आज चलें। कहाँ जा कर रहे थे? क्या मछलियां लेने? नहीं नहीं चलते हैं मछलियां लेने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो मजा। तो यार हमने सारे मोरों के ना आज पर काट दिए, मोरनी है मोर सब, अब कोई हमें तंग नहीं किया करेगा। चलो बैठो, आप आगे बैठे मैं पीछे बैठ रहा हूँ, ठीक है? पीछे नहीं बैठोगे? गर्म है ना, धूप पे खड़ी ना क्या करो, कहता था मैं तुम्हें। मैंने खड़ी की तो किसने की थी पता नहीं। ओए होए 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 भाई ऐसे लग रहा तंदूर में बैठ गए हैं ना चाचू, इतना गर्मी हमारा रोस्ट जल जाएंगे। आज हम प्यारी प्यारी मछलियां लेंगे चाचू, सही है, एक्वेरियम में डालेंगे। पहले तो फाउंटेन में डालते थे, आज एक्वेरियम में डालेंगे पहली दफा, बहुत प्यारी लगेंगी चाचू। हाँ यार ये भी करना तो यार अभी हम जा रहे हैं बर्ड मार्केट, मतलब वहाँ पर आपको पता है कि मछलियाँ वगैरह होती भी हैं, तो वहाँ से चेक करेंगे, वहाँ मिल गए ठीक, नहीं तो फिर आगे कोई और शॉप देखेंगे, है ना सिप्तान? हाँ हाँ चलते हैं अभी और लेकर आते हैं न्यू फिशेस। तो अभी दोस्तों हम शयान से पूछते हैं कि शयान को कौन सी मछलियाँ चाहिए। शयान छोटी वाली मछलियाँ लें या बड़ी वाली लें, जल्दी बताओ। बड़ी वाली। बड़ी वाली और किस रंग में लें बताओ जल्दी जल्दी। रेड और पर्पल। पर्पल चलो देखें, अगर मिल गई ना हम रेड भी लेंगे पर्पल भी लेंगे, ठीक है? देखते हैं यार कौन सी मछलियां हैं इसके पास आज। यहाँ पर हमने देखने यार कितनी प्यारी प्यारी मछलियां हैं, मतलब हम चाहते हैं सबसे अच्छी वाली और फैंसी नहीं होती, जो आम वाली नहीं लेनी, अच्छी वाली प्यारी वाली लेनी है। देख रहे थोड़ा कोई यहाँ से नहीं भी उतरते हैं, वो अभी रश लगा हुआ है, थोड़ा सा रश कम हो ना फिर अंदर जाते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी मछलियाँ हमारे। यार एक दो तो बहुत प्यारी लग रही है मुझे, लेकिन पता नहीं वो एक्यूरे वाली है या दूसरी वाली है। भाई एक्यूरे में हमारी कोई भी आ सकती है अब मछली, ठीक है ना? ये भी उसने कहा था ऑक्सीजन तो है ना, सब कुछ है, आप टेंशन नहीं लेनी। यार शयान यहाँ से कौन सी अच्छी लग रही है तुम्हें मछली? खाली फीडर है सारी। तुम जा रहे हो भाई? तो आप तो चला भी गया, आप भी चलो मैं भी आ रहा हूँ, चलो 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 चलो। अपने मतलब की है मछलियाँ? इतना इतना सी है, छोटी मछलियाँ। बड़ी मछलियाँ किधर हैं? बड़ी वाली। हाँ कौन सी माशाल्लाह बड़ी, ये सारी छोटी हैं भाई। ठीक है हमारा एक्वेरियम देखे, हमारे एक्वेरियम इतना बड़ा है, छोटा एक्वेरियम है यार। इसके लिए मैं लाया हूँ माशाल्लाह गोल्ड फिश।
ये वाली ये तो भाई है जो हम फाउंटेन में रखते थे, ये भाई नहीं है गोल्ड फिश है। लाइन हेड गोल्ड फिश। अच्छा भाई ये गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश ब्लैक, ये गोल्ड फिश है व्हाइट में। वो देखो खा के खड़ा हुआ है ये देखो। हाँ हाँ इसमें छोटा साइज भी है, ऐसे लग रहा है इनको किसी ने उबाला हुआ है। उबाला हुआ नहीं है, मोटी मोटी है। तो यार हम एक ये वाली फैमिली ले रहे हैं, कौन सी है नाम क्या इनका? लाइन हेड गोल्ड फिश है। पता नहीं कौन सा हेड गोल्ड फिश, ठीक है बाद में देखेंगे। और हम ले रहे हैं ये वाली, हाँ ये वाली भी ले रहे हैं भाई। क्या हाल है, सब ठीक हो? मछलियाँ लेने आए हैं भाई हम, एक्वेरियम में डालने हैं अभी, सही है ना? दो हो गई, ये और भी है भाई, और भी है चार, छः और ये सात। सात फैमिलीज ली है हमने, फैमिलीज तीन है लेकिन सात शॉपरों में है भाई। ये वाली जो यार शॉपर में ना सारी हमारी हैं जो कि हम लेके जाएंगे एक्वेरियम में डालेंगे। तो यार फाइनली हमने ये वाली मछलियाँ ले ली हैं भाई, पैक भी हो गई और लाइट्स भी इसके अंदर हैं। कहाँ है दिखाओ तुझे, कितनी ली है भाई लास्ट टाइम भाई? आ, भर भर के यार, क्या हो गया? रख देना। हाँ हाँ सही है, एक एक डब्बा पानी का डाल। चलो ओके। पहुंच गए घर सयाना, वी आर हियर। ओके ओके, यहाँ पर खड़ी कर दो भाई, चलो अब फिर मछलियों को खोलो। तो फाइनली यार हम घर पहुंच चुके हैं अभी, फौरन से पहले पहला पहला काम हमने क्या करना है, मछलियों को एक्वेरियम में बल्कि कर करके दिखा देना, बताने से क्या होगा। चलते हैं भाई दिखाते हैं क्या करना है हमने अभी। ओ भाई एक्साइटमेंट भाई, यार मैं चाबी निकालना, गाड़ी बंद करना और गियर निकालना भी भूल गया, अभी मां के जाते हैं उतरने। कल से पैदल हो ना तुम? नहीं यार मैं गाड़ी पे हूं, पैदल थोड़ी हूं। चलो चैन, चलो चले चलो 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 चलो। अभी एक एक उठा के जाओ ना, तुम सारे उठाओ, गिर गई फट गए फिर कैसे करेंगे। इधर रख दो तुम नीचे। चलो तो यार अभी हम क्या करने वाले ना इस फाउंटेन में, ना फाउंटेन नहीं सॉरी एक्वेरियम, एक्वेरियम में मछलियां डालेंगे और कुछ टाइम के लिए इधर ऐसे ही रहेंगी ताकि इस चॉपर का और इस फाउंटेन का पानी मेंटेन हो जाए। फिर फाउंटेन सॉरी सॉरी एक्वेरियम, भूल जाता हूँ यार आदत हो गई है ना। डालो भाई यहाँ से मैं देख लेता हूँ कैसे खुलेगा, ये नहीं खुलता भाई ये। डालो भाई डालो, हाँ आ नजर आ रही है, आ रही है। ऐसे ही छोड़ दो सिटन, छोड़ दिए। ओए लाइट भी नीचे गिर गई। तो यार सारी मछलियों को ना हमने एक्वेरियम में ना छोड़ दिया है, ये ऐसे आधा घंटा ऐसे ही रहेंगे। आ जाओ सिटन। तो यार अभी ना लाइट उठा लेता हूँ मैं, ये भी हमने एक्वेरियम में लगानी है क्योंकि वो वाली लाइट ना खराब हो गई है, ये वाली अब लगाते हैं हम। ओह ध्यान से टूट भी सकती है ये, ध्यान से ध्यान से। ओए यार इतना गर्मी होगी होगी इस दिन होगी। आ जाओ यार लाइट भी हमारी सेट होगी, अब बारी है मछलियों को खोलने की, बल्कि अभी नहीं भाई आधा घंटा ऐसे रहने देना है। आ जाओ बाहर आ जाओ, गर्मी तो थी ना अंदर, तो गर्मी है, पंखा भी लगाना चाहिए अंदर मछलियों को। पंखा क्या हो गया, पानी में रहते हैं वो यार, हवा एक ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा उनका। अच्छा वो भी करना पड़ेगा। चले देख रहे हो ऐसे लग रहा है भाई। यार काफी टाइम हो गया था, हमने घास की कटाई नहीं कराई थी, तो अभी ना भाई कटाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा घास हो गया था। ये घास कितना है, कहाँ पे है ये वाला घास सारा? ये देखें यार ये सारा फूल हो गया, अभी काफी रहता है, यहाँ से भी रहता है उधर आगे से भी रहता है, ये सही हो गया। अः भाई सही है भाई। तो इस तरह मालिक बहना यहाँ से सारा घास काटेंगे, उधर से भी काटेंगे, फिर जब नया घास उगेगा ना वो और खिला खिला और हरा हरा निकलेगा, तो ये काम करना जरूरी था तो भाई कर रहे हैं। ठीक है भाई लगे रहो, लगे रहो। क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो मछलियाँ? ये आ रही आ रही आ रही आ रही, आओ भाई आओ, नया घर तुम्हारा। चलो ये आ गई भाई साहब। हाँ मछलियाँ अभी 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 लाए, और कितनी है तो आप कहाँ हैं? जल्दी खोलो जल्दी खोलो, वो खोलो 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 खोलो। नया घर कैसा लगा भाई बताओ? इंजॉय भाई, इंजॉय करेंगे अब।
डॉक्टर आपने तकरीबन आधी मशीनें छोड़ दी हैं, अभी और भी रहती हैं, देखते हैं कौन कौन सी रहती हैं। ये वाला रहता है सारा का सारा चॉपर, अब ये खोलो तो आप भी बड़ी वाली थोड़ी सी। हाय हाय, ये आ गई आखिरी शॉपर, क्या बात है। आखिरी शॉपर है यार अभी ये। ओहो चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने एक्वेरियम में ना फिशेस डाल दिए हैं, लेकिन आके मैंने जब देखा तो मुझे यार इतना अच्छी नहीं लग रही सिप्रैन। यार एक्वेरियम में मैंने जो देखी हुई है ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ देखी हुई हैं और एक वाजे सा कलर होता है, वो चीज़ नहीं आ रही यार, देख रहे हो छुपी हुई हैं, छोटी छोटी हैं। हम एक काम करेंगे ना, हम बड़ी फिशेस लेंगे, फिर इनका क्या करेंगे, ये चेंज करा के ना बड़ी फिशेस लेंगे। अच्छा, ये इसी से गुजारा करते हैं फिर उसके बाद। ये देखे ना दोस्तों सिप्रैन, वैसे सही कह रहे हैं, ये छोटी छोटी सी मछलियाँ ऐसे ढूंढनी पड़ रही हैं हमें, हमने गलती की है इनको लेके भाई। अब हमने सोचा है कि इन फिशेस को चेंज करा के ना हम बड़ी वाली फिशेस लेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई हमें छोटी चाहिए नहीं, हमें दे ही ना हमें, सही है ना। फिर बड़ी वाली इतनी बड़ी होगी ना, फिर ऐसे दूर से नजर। भाई वेल फिश तो नहीं लेनी, खैर अच्छी लेंगे जो भी लेंगे, लेकिन इनको पहली फुर से चेंज करवाना, मुझे पसंद नहीं आया इतना हमने महंगा फाउंटेन बनवाया एक्वेरियम सॉरी, और उसमें इतना छोटी छोटी सी मछलियाँ, मजा नहीं आ रहा यार, मजा चेंज करवाएंगे। सही है, ये भैया यार आओ जरा देखो ये क्या है, क्या वो सिप्टेन है या पिंजरा। इधर बेटा मैंने ही रखा है। तुमने रखा है? हाँ जी बताता हूँ, लाफिंग डव नहीं है भैया, ये डायमंड डव है। डायमंड डव? हाँ जी, मुझे क्या पता, लाफ कर रही थी मेरे से। अच्छा पेयर है यार, पिंजरा भी बहुत प्यारा है, किसने दिया है, न्यू पिंजरा लेके आ गए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो भाई सब्सक्राइबर ने, अच्छा ओह प्यारा, इनको दाना पानी से ध्यान रखो, इनके पिंजरे में कुछ भी नहीं है अभी। ओके ओके भी रखते हैं, चलो रख दो। रख यार मैं चाहता हूँ ये मास्टर केज बनाना सारे पिंजरे सारे। भाई ये तो यार आरजी है ना, सही कह रहे हो तुम, ये सिर्फ आरजी है अभी, ये जो आप देख रहे हैं सारे पिंजरे ये हमारे पास खाली हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, ऐसा ही है, काम आ जाएंगे, कबाड़ में क्यों रखे रहे हैं। सही है, फिलहाल यार इनको कंगनी वगैरह डालो, सिप्टन पानी भी डालो डायमंड डव को, डायमंड डव काफी दिनों के बाद देखने को मिल रही हैं, प्यारी हैं वैसे। ये वाला मेल है, ये वाली फीमेल है, सिप्टन पेयर है। इसका करना क्या है मुझे तो बताओ। भाई ये यहाँ पर अकेली है ना बेचारी। हाँ तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ कि ये मायूस ना हो जाए और बीमार ना हो जाए, इतना दिनों से तो है, तो यहाँ पर छोड़ूंगा ना इनके साथ, डायमंड डस्ट के साथ। चलो छोड़ दो आगे शिजू का, ओए काफी दिनों के बाद इतना पकड़ रहा हूँ इसको मैं, उड़ाई ना देना। याद की याद है मास्टर केज में पकड़ते थे रात के टाइम, बड़ा मुश्किल था है ना। जाओ भाई शिजू का, चलो क्या हुआ। चलो भाई सही है, सही है ना। हाँ अब यहाँ पर सही है, बिल्कुल रिलैक्स है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों लास्ट में बताना है कि एक्वेरियम में फिशेस वो वाली अच्छी लग रही हैं या चेंज करा दें, मेरा जो इरादा है ना उनको चेंज करा के ना बड़ी वाली मछलियाँ लेने का है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, हमारे चैनल शहर में दयात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई क्या हुआ, क्या है मच्छर। अच्छा सिप्टन बात सुनो, ये यार ये मोरनी यहाँ पर कोने में काफी टाइम से बैठी हुई है, इसको क्या मसला है। मैं सुबह से देख रहा हूँ उल्टी जो पड़ी हुई थी वही है, ये बड़ी मुश्किल से इसको पानी के साथ रखे। अच्छा पानी पिया था। पिया है अभी भी, पानी के साथ रख दो ना, उठो भाई यहाँ से। उठी नहीं रही यार, इतना डर रही है। उठ गई उठ गई उठ गई। सिप्टन ऊपर चलो, ऊपर चलो, एक गुड न्यूज है।